आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों उन साथियों के लिए एक अच्छी खबर है जो शिक्षक साथी अपने स्थानांतरण की राह देख रहे हैं। जी दोस्तों, अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस तरह से न्यूज़पेपर में भी ये समाचार प्रमुखता से प्रकाशित की गई है और इसी संदर्भ में न्यूज अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बेसिक शिक्षकों के फेरबदल की तैयारी में सरकार पहले अंतर जनपदीय फिर जिले के अंदर होंगे तबादले, तबादला नीति को विभाग अंतिम रूप दे रहा। दोस्तों इस संदर्भ में न्यूज क्या है, आइए इसे देखते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षकों की गर्मी की छुट्टियों में तबादले करने की तैयारी है। तबादला नीति को विभाग अंतिम रूप दे रहा है। योगी सरकार पहले अंतर जनपदीय फिर जिले के अंदर तबादले करेगी। यूपी सरकार इस बार सरकारी प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले पहले करेगी और इसके बाद ही जिले के अंदर समायोजन व तबादले किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षकों की गर्मी की छुट्टियों में तबादले करने की तैयारी है। तबादला नीति को विभाग अंतिम रूप दे रहा है। इस बार नीति में कुछ संशोधन किए जा रहे हैं। तो दोस्तों संशोधन क्या होगा ये तो नीति आने के बाद पता चलेगा, लेकिन आइए फिर आगे क्या कहा जा रहा है ये देख लेते हैं। पिछले बार ज्यादा वरीयता अंक पाकर जिन शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ और पहले चरण में वे अपने जिलों में तैनाती के लिए पहुंचे तो उन्हें दूर दराज के एकल स्कूलों और बंद स्कूलों में तैनाती मिली थी, जबकि कम अंक पाकर सूची में बाद में जगह पाए अध्यापकों को जिला मुख्यालय के करीब तैनाती मिली। ऐसा इसलिए कि जिलों में पहले एकल और बंद स्कूलों का विकल्प खोला गया था। इस विसंगति को इस बार की तबादला नीति में दूर किया जाएगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से विसंगति रही है, जो अधिक मेरिट वाले थे उनको दूर दराज के विद्यालय मिल गए, जबकि बाद में काउंसलिंग कराए कम मेरिट वाले शिक्षकों को नजदीक में तैनाती मिली थी। तो ये विसंगति इस बार शिक्षा नीति में दूर की जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आगे देखते हैं। इसके अलावा सेवा अवधि कम करने की मांग शिक्षक लगातार कर रहे हैं, हालांकि इसे कम करने की संभावना नहीं है क्योंकि पिछली बार की नीति को शिक्षकों ने कोर्ट में चुनौती दी थी और हाईकोर्ट ने महिला शिक्षकों की सेवा अवधि 3 साल और पुरुषों की 5 साल कर दी थी। पिछले 5 वर्षों में केवल 2 बार ही अंतर जनपदीय तबादले हुए हैं। पहली बार 2017-18 में 11,963 शिक्षकों के तबादले हुए, वहीं दूसरी बार 2019-20 में 26,563 शिक्षकों के तबादले किए गए, जिनकी सूची दिसंबर 2020 में जारी की गई। वहीं जिले के अंदर तबादले कई वर्षों से नहीं हुए हैं। तो दोस्तों इस संदर्भ में इसके पूर्व के वीडियो में हमने अलग अलग शिक्षक संगठनों द्वारा जो मांग की गई है उस मांग को भी हमने आपको अवगत कराया था, जिसमें अंतर जनपदीय स्थानांतरण का मामला हो या फिर जनपद के अंदर स्थानांतरण का मामला हो, प्रमोशन का मामला हो या फिर इसके स्थानांतरण के समयावधि की बात हो, उसे कम करने की भी बात उसमें कही गई है और इस संदर्भ में लगातार संगठनों द्वारा पत्र बेसिक शिक्षा सचिव को दी गई है। अगर उसमें से कोई सुनवाई इस तरह की होती है तो इसमें तब्दीली संभव है, अन्यथा जो तस्वीर है वो आपके सामने है और कहीं ना कहीं जो 3 वर्ष और 5 वर्ष का बाइंडेशन है इस पर सूचनाएं मिल रही है कि इसी पर अमल हो रहा है। तो अगर इसमें कोई संशोधन होता है ये फाइनली रिजल्ट तो तभी पता चल पाएगा जब नई स्थानांतरण नीति आ जाएगी। तो दोस्तों ये रहा छोटा सा अपडेट, इस तरह के अपडेट मैं लेके आता रहता हूं। अगर चैनल पे पहली बार है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।